हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। लेट गेट स्टार्ट लर्नर्स। पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हमने बात की थी कुछ फॉर्मूले के बारे में और कुछ बेसिक टिप्स के बारे में, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसके बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें दिया हुआ है x और a, राइट, x माइनस a की पावर 5। ओके, ये दिया हुआ है हमें, इसका हमें बस यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और साथ ही साथ में आंसर आ जाएगा हमारा। दो बातें हैं, एन सी जीरो इक्वल्स टू एन सी एन दैट मीन्स 1, ये हमें पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, दैट मीन्स x माइनस ए की पावर 5 मतलब एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर 0 माइनस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 ए की पावर 2। इसी तरह से आप पूरा 5 तक करेंगे। ओके, मैं इरेज करती जाऊंगी साथ ही साथ में, आप इसे प्लीज नोट करते रहिए साथ में, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर। अब देखिए x, पहले हम क्या करेंगे 5c0, उसके बाद में x मतलब 2 बाय x, इसकी पावर क्या आएगी यहाँ पर n, दैट मीन्स 5, फिर x बाय 2 दैट मीन्स a की पावर 0 माइनस 5c1 2 बाय x इसकी पावर 5 माइनस 1 फिर x बाय 2 1 माइनस 5c2 2 बाय x इसकी पावर 5 माइनस 2 फिर x माइनस 2 की पावर 2 फिर उसके बाद माइनस 5c3 2 बाय x 5 माइनस 3 एक्स बाय 2 पावर 3 फिर उसके बाद में प्लस 5c4 2 बाय x 5 माइनस 4 एक्स बाय 2 पावर 4 माइनस 5c5 2 बाय x पावर 5 माइनस 5 एक्स बाय 2 पावर 5। लर्नर्स, क्वेश्चन जो है इसको आपको सॉल्व करना है, बस इसमें क्या है, थोड़ा फोकस करना है आपको क्वेश्चन पर, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन पे अगर फोकस नहीं किया तो मिस्टेक कभी भी हो सकती है। जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई थी अभी, इसी तरह से आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मिस्टेक होने का इसमें ज़्यादा चांसेस इसलिए रहता है क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, बाकी बहुत ही ईजी है ये, इससे ज़्यादा ईजी कुछ हो नहीं सकता है। तो अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे ओपन करना है। अब देखिए 5c0 और 5c5 हमें पता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर x बाई 2 की पावर 0 मतलब 1। तो अब देखिए इसे मैं ओपन करने जा रही हूँ, बस इसे हम ओपन करेंगे, मैं यहाँ इसे ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ आ जाएगा 32 बाय x की पावर 5, फिर ये तो 0 है, x बाय 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसे डायरेक्टली हम ये लिख देते 32 बाय x की पावर 5, 5c1 दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4। सो यहाँ ये मैंने इसे पूरा सॉल्व कर दिया, फाइनल रिजल्ट आपका ये आ गया। तो लर्नर, ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे पहले के वीडियोस से रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।